नमस्कार, इनसाइट लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। झारखंड में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरे दिन विधायकों की बैठक बुलाई थी। बैठक खत्म होने के बाद सीएम सोरेन 3 बसों में विधायकों को लेकर निकले हैं। माना ये जा रहा था कि सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा सकता है, हालांकि अब जानकारी ये है कि यूपीए के सभी विधायकों को खूंटी के रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले सीएम सोरेन ने रांची से निकलने के दौरान विधायकों के साथ सेल्फी भी सोशल मीडिया पर शेयर की। यूपीए विधायकों को रांची बुलाकर शिफ्ट करने के प्लान को हेमंत सोरेन के करीबी रणनीतिकारों ने बड़े ही गोपनीय ढंग से अंजाम दिया। कई विधायकों को आधी रात में उनके घर से पिक किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच रांची लाया गया। इसकी खबर किसी तरह से लीक ना हो, इसे लेकर बस के चालक और अन्य कर्मियों के मोबाइल तक को बंद कर दिया गया। इसके चलते चर्चाएं हो रही थी कि सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक होटल में ठहराया जाएगा। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस यूयू ललित ने शपथ ले ली है। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के सवाल पर एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार की सरकार पर कौशल विकास योजना में करोड़ों के घपले का आरोप लगाया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और प्लेसमेंट दिए बगैर एजेंसी के द्वारा करोड़ों की राशि गबन किया गया है। एजेंसी के बड़े पदाधिकारी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा संबंध है। उन्होंने बताया कि MKCL नामक एजेंसी के जिस अधिकारी पर करोड़ों के गबन के आरोप में कोर्ट में केस चल रहा है, उसे सीएम हाउस बुलाया गया और वहां उससे स्किल डेवलपमेंट का प्रेजेंटेशन दिलाया गया। बिहार की गिनती भले ही पिछड़े राज्यों में होती है, लेकिन वहां के कुछ अधिकारी, नेता और इंजीनियर से लेकर क्लर्क तक करोड़ों कमा रहे हैं। एक ऐसे ही इंजीनियर का पता शनिवार को चला है, जब बिहार विजिलेंस की टीम ने उसके घर पर छापा मारा। दरअसल संजय नाम का ये इंजीनियर किशनगंज जिले में तैनात है। विजिलेंस विभाग की इस पर काफी पहले से नजर थी। शनिवार को जब संजय के ठिकानों पर छापे मारे गए तो बरामद नोटों की गड्डियां देखकर अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। नोटों की गड्डियां गिनते गिनते अधिकारी भी परेशान हो गए। किशनगंज और पटना के उसके ठिकानों से अब तक 5 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। अभी भी नोटों की गिनती जारी है। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की शनिवार को MP MLA कोर्ट में पेशी हुई। प्रतिरोध मार्च के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था का उल्लंघन से जुड़े एक मामले में तेजस्वी यादव की पेशी हुई है। पटना के MP MLA कोर्ट में दोपहर को डेप्यूटी सीएम पेश हुए थे, उनके साथ वकीलों का दल भी शामिल रहा। हालांकि इस मामले में तेजस्वी यादव को बेल मिल गई है। राजधानी पटना में बने मरीन ड्राइव के पास मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कैंप ऑफिस में शुक्रवार की रात लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। समुद्री लुटेरों की तरह 15 से 20 की संख्या में नाव पर सवार होकर आए बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के कैंप ऑफिस में लूट की घटना को अंजाम देने के बाद सामान को नाव पर रखकर गंगा नदी के रास्ते लुटेरे फरार हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वापसी के लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पार्टी में उनके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसकी पैन इंडिया अपील हो। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने आगे कहा कि पार्टी का नेतृत्व करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक समर्थन प्राप्त होना चाहिए। क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों को लेकर हमेशा से ही गर्मा गर्मी रहती है, क्योंकि एक बार फिर रविवार को एशिया कप में दोनों देशों की भिड़ंत होनी है, तो ऐसे में पूरा देश इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोनों देश पिछले लंबे समय से एक दूसरे के यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे। जो भी मैच अभी तक हुए हैं वो तटस्थ जगहों पर हुए हैं। भारत का इस मामले में रुख साफ है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना जारी रखता है, तब तक क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने चोट से उबरने के बाद धमाकेदार वापसी की है। नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को 89.08 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ लुसानी डायमंड लीग मीट का टाइटल जीत लिया है। नीरज ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इस खिताब जीत के साथ नीरज ने 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिख में होने वाले डायमंड लीग के फाइनल्स में जगह बना ली है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए साइटो लाइव को सब्सक्राइब कर लें।